नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रणदीप हुड्डा की सभी फिल्मों की लिस्ट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और वर्डिक्ट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रणदीप हुड्डा ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत साल 2001 में आई मॉनसून वेडिंग नाम के एक इंग्लिश फिल्म से की थी। इसके बाद 2005 में इसकी मूवी आई थी डी। इस मूवी की लागत थी 6,50,00,000 की, कमाई की थी इसने 8,49,00,000 और यह फ्लॉप रही। इसके बाद 2006 में आई थी डरना जरूरी है और इसकी लागत थी 8,75,00,000 की, कमाई की थी इसने 10,65,00,000 और यह फ्लॉप रही। अगली मूवी आई थी साल 2007 में रिस्क और इसकी लागत थी 6,00,00,000 की, भारत से कमाई थी इस मूवी ने 3,98,00,000 और यह डिजास्टर रही। इसके बाद 2008 में मूवी आती है रूबरू और इसकी लागत थी 5,80,00,000, कमाई थी मात्र 50,00,000 और यह डिजास्टर रही। इसके बाद 2009 में मूवी आई मेरे ख्वाबों में जो आए और इसकी लागत थी 3,00,00,000 की, कमाई थी इसने मात्र 18,75,000 और यह डिजास्टर रही। इसके बाद मूवी आई लव खिचड़ी और इस मूवी की लागत थी 2,25,00,000, कमाई थी इसने मात्र 36,00,000 और यह भी डिजास्टर रही। इसके बाद आई कर्मा और होली और इसकी लागत थी 10,00,00,000, इसने पूरी दुनिया भर से कमाई थी मात्र 23,50,000 की और इसी के साथ यह भी बुरी तरह डिजास्टर रही। अगली मूवी आई थी इनकी साल 2010 में वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई और इसकी लागत थी 38,00,00,000 की, कमाई हुई थी इसकी 85,18,00,000 और इसी के साथ ही यह हिट रही। इसके बाद 2011 में रणदीप हुड्डा की मूवी आई साहेब बीबी और गैंगस्टर और 6,00,00,000 की लागत में बनी इस मूवी ने कमाई थी 10,76,00,000 और इसी के साथ यह बिलो एवरेज रही। इसके बाद साल 2012 में रणदीप हुड्डा की मूवी आई जन्नत 2 और दोस्तों इसकी लागत थी मात्र 18,00,00,000 की और पूरी दुनिया भर से कमाई थी इसने 63,86,00,000 और इसी के साथ ही यह सुपर हिट रहती है। इसके बाद मूवी आई कॉकटेल 45,00,00,000 की लागत में बनी इस मूवी ने कमाई थी 125,23,00,000 की और इसी के साथ यह हिट रही। इसके बाद आई थी जिस्म 2 और दोस्तों इसकी लागत थी मात्र 13,00,00,000 और पूरी दुनिया भर से कमाई थी इसने 49,26,00,000 और इसी के साथ यह सुपर हिट रही। इसके बाद मूवी आती है हीरोइन और इसकी लागत थी 32,00,00,000, कमाई थी इसने 71,37,00,000 की और यह अबोव एवरेज हुई। अगली मूवी आई इसकी साल 2013 में मर्डर 3 और इसकी लागत थी दोस्तों 15,00,00,000, कमाई हुई इसकी 32,71,00,000 और यह अबोव एवरेज हुई थी। इसके बाद मूवी आई बॉम्बे टॉकीज और इसकी लागत थी 12,50,00,000, कमाई थी इसने दुनिया भर से 13,09,00,000 की और यह फ्लॉप रही। इसके बाद मूवी आई जॉन डे और इसकी लागत थी 9,00,00,000, भारत से कमाई इसने 2,18,00,000 की और इसी के साथ यह डिजास्टर रही। अगली मूवी आई इनकी 2014 में हाईवे और इसकी लागत थी 25,00,00,000, कमाई हुई थी 52,44,00,000 और यह एवरेज रही थी। इसी साल ही रणदीप हुड्डा की मूवी आई किक और दोस्तों इसकी लागत थी 115,00,00,000 की और पूरी दुनिया भर से कमाई इसने 389,97,00,000 और इसी के साथ ही यह ब्लॉकबस्टर रही। इसके बाद मूवी आई रंगरसिया और दोस्तों इसने भारत से कमाई थी 6,37,00,000 की और यह डिजास्टर हुई थी। इसी साल ही मूवी आई उंगली और दोस्तों इसकी लागत थी 39,00,00,000, कमाई थी इसने 30,12,00,000 की और इसी के साथ यह भी डिजास्टर रही थी। इसके बाद साल 2015 में इनकी मूवी आई बीबा बॉयस और दोस्तों यह एक इंग्लिश पंजाबी फिल्म थी। इसके बाद मूवी आई थी मैं और चार्ल्स और इसकी लागत थी 10,00,00,000 की, भारत से कमाई हुई थी इसकी 8,12,00,000 की और इसी के साथ यह डिजास्टर रही। अगली मूवी आई थी इसकी साल 2016 में लाल रंग और इसकी लागत थी 10,00,00,000, कमाई थी इसने मात्र 2,68,00,000 और यह बुरी तरह डिजास्टर रही। इसी साल ही मूवी आई इसकी सर्वजीत और दोस्तों इसकी लागत थी 23,00,00,000 की, पूरी
पूरी दुनिया भर से इसने कमाई थी 44 करोड़ 10 लाख की। और दोस्तों इसी के साथ यह एवरेज रही। वैसे दोस्तों यह काफी मस्त फिल्म है। इसी साल ही इसकी मूवी आई दो लफ्जों की कहानी। 11 करोड़ की लागत में बनी इस फिल्म ने कमाई थी मात्र 4 करोड़ 9 लाख और यह डिजास्टर रही। इसी साल ही रणदीप हुड्डा की मूवी आती है सुल्तान और दोस्तों इसकी लागत थी मात्र 90 करोड़ और इसने पूरी दुनिया भर से 614 करोड़ 49 लाख की ताबड़तोड़ कमाई की और यह बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हो गई। अगली मूवी आई थी इसकी साल 2018 में बागी 2 और इसकी लागत थी दोस्तों 72 करोड़। कमाई थी इसने पूरी दुनिया भर से 257 करोड़ की और इसी के साथ ही यह ब्लॉकबस्टर रही। साल 2020 में मूवी आई लव आजकल और इसकी लागत थी 57 करोड़। कमाई हुई इसकी 57 करोड़ 58 लाख की और यह फ्लॉप रहती है। इसी साल ही मूवी आई इसकी एक्सट्रैक्शन और दोस्तों यह एक इंग्लिश फिल्म थी और इसे OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पे रिलीज की गई थी। इसके बाद साल 2021 में इसकी मूवी आई राधे और दोस्तों इसे OTT प्लेटफॉर्म G5 पे रिलीज की गई थी। और दोस्तों इसके बाद साल 2023 में रणदीप हुड्डा की मूवी आने वाली है स्वतंत्रता वीर सावरकर और तेरा क्या होगा लवली। तो दोस्तों यह था रणदीप हुड्डा का अब तक का फिल्मी सफर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर दे ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो को मिस ना कर सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों खत्म, बाय बाय, टाटा।